अगर आपकी गाड़ी का टायर पंचर हुआ हो एंड उसे सही तरीके से ठीक कैसे किया जाता है, अगर आपको ये जानना है तो ये वीडियो एंड तक देखना। सो यूजुअली हम स्ट्रिप पंचर का मेथड यूज करते हैं टायर पंचर रिपेयर करने के लिए, बट दूसरा एक रिलायबल ऑप्शन होता है मशरूम पंचर। तो स्ट्रिप पंचर में हमें क्या है, डायरेक्टली टायर के ऊपर ही स्ट्रिप लगा के हम पंचर को रिपेयर करते हैं, बट इन मशरूम पंचर हमें टायर को पूरा खोलना होता है, चाहे वो एलॉय से हो या रिम से हो, एंड देन उसमें हमें एक पैच वर्क जैसा काम करना होता है। सो मशरूम पंचर एक रिलायबल ऑप्शन क्यों है, इसका रीज़न ये है कि ये जो है हम अंदर की साइड से कर रहे हैं, एंड इससे जो है आगे जाके जहाँ पंचर हुआ है वहाँ से हवा लीक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। सो दिस वन इज़ कंसिडर एज द मोस्ट रिलायबल ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि हम जो ट्रेडिशनल वे में जो पंचर रिपेयर करते हैं वो गलत होता है, बट ये ज़्यादा रिलायबल होता है। गाइस, आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, एंड चैनल में आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपको जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो फॉर नाउ, हैप्पी मोटरिंग, स्टे सेफ।